दोस्तों साल 2012 में प्रसारित हुआ बेहद ही रोमांटिक सीरियल पुनर्विवाह को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें यश के किरदार में नजर आए अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपनी सीरियसनेस और अपनी रोमांटिक अंदाज से दर्शकों द्वारा खूब सुर्खियां बटोरी थी और इसीलिए अभिनेता गुरमीत चौधरी आज इसी किरदार के लिए जाने भी जाते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीरियल पुनर्विवाह में यश का किरदार गुरमीत चौधरी से पहले टीवी के 4 पॉपुलर अभिनेताओं को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेताओं ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इन अभिनेताओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट नंबर पे है करणवीर बोहरा। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर सीरियल पुनर्विवाह में यश के किरदार को ठुकराने वाले अभिनेताओं में से एक नाम करणवीर बोहरा का भी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि करणवीर बोहरा का यश को किरदार को ठुकराने की बजाय पैसे या शो की स्टोरी को नहीं बताया जाता, बल्कि कारण ये है कि उस समय करणवीर बोहरा अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और यही वजह थी कि उन्होंने इस किरदार और इस शो को ठुकरा दिया। सेकेंड नंबर पे है सब्बीर अहलूवालिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य में फेम एक्टर सब्बीर अहलूवालिया को भी शो में यश का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन सब्बीर अहलूवालिया को इस शो की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई और यही कारण था कि उन्होंने इस शो को ठुकरा दिया। थर्ड नंबर पे है अरमान बेहल। शोमन की आवाज़ प्रतिज्ञा फेम एक्टर अरमान बेहल को भी यश का किरदार अप्रोच हुआ था, साथ ही अरमान इस शो को करना भी चाहते थे, लेकिन उसी समय अरमान मन की आवाज़ प्रतिज्ञा शो की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और यही कारण था कि उनके हाथों से मौका निकल गया। फोर्थ नंबर पे है विवियन डिसेना। पॉपुलर अभिनेता विवियन डिसेना को भी यश का आइकॉनिक किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन विवियन डिसेना को शो की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई और यही कारण था कि उन्होंने इस शो को ठुकरा दिया, जिसके बाद ये किरदार गुरमीत चौधरी को ऑफर हुआ, जिसे वो बखूबी निभाते हुए नजर आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेताओं ने यश के किरदार को ठुकरा कर सही किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।